गाइस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं सीएमजी यहाँ पे। तो गाइस यार फाइनली अभी हमें जगह मिल गई है, खाना मिल गया, बैग में डाल इसको, बैग में डाल। एक बात जो वो हमें बहुत बुरी लगी, ये देखिए कितना ज्यादा कचरा फैला है यहाँ पे। यार अभी एक स्कैम हो चुका है। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइस अभी हम हैं जसिमपुर में, यहाँ पर है हमारे सौरभ भाई। सौरभ भाई हेलो। हेलो। और यहाँ पर निखिल भाई। हेलो। हो गए भाई हमारे भर्ती हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको। थैंक यू। रिटन टेस्ट बचा है तो वो भी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम हैं जसिमपुर में। अभी हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम कॉलेज नहीं जाने वाले, और कॉलेज हम क्यों नहीं जाने वाले हैं वो आप सामने देखिए। तो भाई यहाँ पर आज आने वाले हैं आज हमारे हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको अगर मौका मिला तो। तो उनका स्वागत करेंगे आज हम, तो उसका व्लॉग मैंने सोचा कि थोड़ा सा बना लेते हैं। ये देखिए बहुत दूर दूर से ढोली वगैरह आए हुए हैं, और सामने बहुत सारी गाड़ियां हैं, और यहाँ पर लगा है पूरा उनका कला मंच। तो ये देखिए गाइस आज जसिमपुर को कुछ इस तरीके से सजाया गया है, और यहाँ से है मेन गेट, तो यहाँ से सीएमजी अंदर जाएंगे। तो पहले तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में देखते हैं क्या सीन है, फिर आते हैं यहाँ पे जसिमपुर में दोबारा। तो गाइस यार अभी हम पहुँच गए हैं कॉलेज में, मतलब कॉलेज में पहुँचे नहीं हैं, अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। बट हमें अपने कुछ मित्रगण मिल गए थे, तो वो बोल रहे हैं कि हमें कॉलेज के अंदर जाने के लिए मना है। तो ये देखिए अभी हमारे पुल में ये कलर हो रहा है, बहुत ही मस्त कलर हो रहा है। ये देखिए आसपास सारा, और आज हमारे इस पुल का भी उद्घाटन होने वाला है, जो कि हमारे महोदय सीएमजी ही करेंगे, जयराम ठाकुर जो। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का व्यू है, और सरकारी बसेज आज यहाँ पर खड़ी हो गई हैं, जो कि जसिमपुर में खड़ी होती थी। और ये देखिए वहाँ पर लगातार यहाँ पर कोल तार बिछ रही है, बिछ गई है यहाँ पर, बस दूसरी तरफ बची है, और यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। ये देखिए तो चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, और ये देखिए कोल तार बिछ गई है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है हमारा पुल। चलिए अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तो कोई फ़ायदा है नहीं रुक के। ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा जसिमपुर आज सज गया है, और चारों ओर गाड़ियाँ ही हैं पुलिस की चारों ओर। ये देखिए सभी सीएमजी के स्वागत में लगी हुई हैं, और सभी जगह बीजेपी के झंडे वगैरह लगे हुए हैं, और वहाँ पर सामने आपको आर्मी के भी कुछ ऑफिसर्स दिख रहे होंगे, तो हथियारों से तैनात यहाँ पर सोल्जर्स, और यहाँ पर हमारे आर्मी सोल्जर्स भी हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार के इंतजाम हुए हैं यहाँ पर सीएम के लिए, सारी लगाई गई हैं, और थोड़ी देर में अभी यहाँ पर सीएमजी भी आने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, फिर चलते हैं पीछे की ओर, सारा सिस्टम दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए पुलिस, और यहाँ पर ये मशीन भी लगाई गई है। तो गाइस यार अभी एक स्कैम हो चुका है, मैं और ये हमारे महोदय चले गए थे चने खाने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जयराम ठाकुर जी आ चुके हैं, यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर है, तो और वहाँ पर उनका प्रोग्राम चला हुआ है। तो थोड़ी देर में जाते हैं हम यहाँ पर, और मेरे कुछ मित्रगणों ने बनाई थी उनकी वीडियो, तो वो वाली वीडियो मैं आपको प्ले कर देता हूँ, और देखिए आप किस तरह से लैंडिंग हुई थी। ये सारे कार्य लिखे गए हैं जहाँ पर जो भी सीएमजी ने किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारे कॉलेज का पुल भी होगा कहीं पे। ये देखिए हमारा अनुसूचित जाति विकास योजना के अंतर्गत डलो छतरिया बाया कॉलेज सड़क में, तो ये हमारा पुल है, तो आज उसका भी उद्घाटन होने वाला है, तो वो भी हमारे महोदय सीएमजी ही करेंगे। 30 किलोमीटर सड़क जो है हमारी नरवाड़ की पंचरू की लंबा गांव सड़क जो है, उसका जो है अब ग्रेडेशन के लिए हमने आज शिलान्यास किया, और उसकी भी मुझे लगता है कि उसमें तीन करोड़ 80 लाख की लागत से उसका भी हमने काम शुरू। बैग में डाल ली है ना, तूने ली है बैग में डाल। तो अभी हमने पानी पिया है, तो हम इसे अभी डस्टबिन में डालने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसी ऐसी बोतल हो गई हैं, लोग जो है वो इसे यहाँ पे फेंक रहे हैं, तो ये बात गलत है, इसलिए इसे डस्टबिन में फेंकेंगे।
तो गाइस ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का भी पूरा इंतजाम हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों हमने भी ले ली यहाँ पर टिक्की मिल रही हैं टिक्कियाँ देखिए, और यहाँ पर दो दो तीन तीन ये लास्ट ही था, अब यहाँ पे बाद में लंगर अभी ख़त्म हो गया है तो खा लेते हैं इन्हें। तो हमने यहाँ पर टिक्की तो खा ली है, बट एक बात जो हमें बहुत बुरी लगी, ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा फैला है यहाँ पे। तो कचरा तो कोई भी नहीं फैलाना चाहेगा, बट अगर यहाँ पे डस्टबिन होता तो यार बहुत अच्छा लगता। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, चलते हैं अभी। तो गाइस ये है जिसमपुर का प्राइमरी स्कूल और यहीं पे लगा है लंगर ये देखिए, बट अभी खाने को नहीं मिला है, बहुत ज़्यादा लोग हैं तो टाइम लगेगा थोड़ा, हम घूम लेते हैं। तो गाइस यार अभी कार्यक्रम जो वो समापन हो गया है, ख़त्म हो गया कार्यक्रम, और अभी हमारे CM श्री जयराम ठाकुर जी भी प्रस्थान करने वाले हैं अपने घर की तरफ। तो गाइस अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं CM जी यहाँ पे, इस लाइन से पीछे ही रहना पड़ेगा हमें। तो गाइस यार अभी CM जी जो हैं वो SDM कोर्ट जाएंगे, तो SDM कोर्ट है यहीं पे साथ में, तो फिर बाद में जाएंगे, पहले खाना खाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो गाइस यार यहाँ पर लंगर जो स्टार्ट हो गया है, फाइनली अभी हमें जगह मिल गई है, खाना मिल गया है। तो ये है प्राइमरी स्कूल, इसके अंदर खा रहे हैं अभी हम। तो गाइस यार अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, और ये देखिए यहाँ पर सारा क्राउड आ गया है, जितनी भी भीड़ थी। तो अभी थोड़ी देर में CM जी भी जाने वाले हैं, तो गाइस थोड़ी देर में प्रस्थान करने वाले हैं हमारे CM जी, और अभी इन्हें सलामी दी जा रही है। तो बताते हैं अभी आपको, इनका जो हेलीकॉप्टर है वो रेडी है बिल्कुल। तो दोस्तों अभी जा चुके हैं हमारे CM जी, और ये देखिए क्राउड कितना ज़्यादा है, आज पूरा ग्राउंड भर गया है, पूरा जसिमपुर का ग्राउंड, ये देखिए चारों ओर बस लोग ही लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर था इनका कला मंच लगा हुआ, तो मैं थोड़ी वीडियो शूट कर पाया हूँ क्योंकि आगे खंबे थे तो व्यू अच्छा नहीं आ रहा था, और हमारे CM भी नहीं दिख रहे थे। तो गाइस यार अभी मैं पहुँच गया हूँ घर में, और घर में तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला ब्लॉग जो वो इसे आज ही अपलोड कर देता हूँ। तो आज है 8 तारीख, और 8 तारीख को ही ये ब्लॉग आपको आ जाएगा शाम को 7 बजे, अभी ब्लॉग अपलोड हो गया होगा जब ये आप देख रहे हैं। तो आज के दिन ही अपलोड कर देते हैं इस ब्लॉग को, और अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो यार लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और शेयर तो कर ही देना यार, और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पर हो तो kangdimunda123 ID है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, कर लीजिए फॉलो। और आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मतलब ये डेली लाइफ ब्लॉग डाल रहा हूँ मैं इस सीरीज़ को हटा के, कुल्लू मनाली सीरीज़ को हटा के, तो कुल्लू मनाली सीरीज़ के जो 2-3 ब्लॉग बचते हैं उन्हें मैं करता हूँ अपलोड। अभी देखना पड़ेगा कि आप ब्लॉग देख नहीं रहे हैं यार, ट्रैवल ब्लॉग या तो आपको पसंद नहीं है या तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही है, तो मतलब हो सकता है कुछ इन दोनों में से कोई रीज़न हो सकता है। तो अभी इस ब्लॉग को अपलोड करके देख लेते हैं कैसे रिस्पॉन्स आता है, अगर डे लाइफ ब्लॉगिंग पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो फिर उस ब्लॉग को कभी बाद में अपलोड कर देंगे, डे लाइफ ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ अभी मैं। तो मिलते हैं अभी ऐसे एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।